भाई दो मैच में दो टाई, दो सुपर ओवर और दो रोमांचक भारतीय जीत, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं आखिरी T20I मुकाबले में। चलिए देखते हैं वो पांच खास चीजें जो आपको जानना जरूरी है। ESPN रुकिन फॉर मैच डे हिंदी पर मेरे साथ जुड़ेंगे संजय बांगर। चलिए संजय तो हमारे साथ है ही, शुरू करते हैं हमारे पहले टॉकिंग पॉइंट के साथ और वो ये है कि कैसी टीम हमें दिखाई देने को मिलेगी इस मैच में भारत की तरफ से। हमने लास्ट मैच में देखा कि कुछ चेंजेस किए थे विराट कोहली ने और अंदाज़ा भी किया था तीसरे मैच के बाद जब सीरीज़ काबू में कर ली थी उन्होंने कि शायद अभी स्क्वाड रोटेशन होगा। और क्या इसी के साथ हम कुलदीप यादव को देखने की उम्मीद कर सकते हैं संजय? ऋषभ पंत पर काफ़ी चर्चा डिबेट होती जा रही है, अब इस वन ऑफ मैच में या आखिरी मैच में क्या उनके लिए जगह बन सकती है आपकी राय में? अगर उनको अभी तक खिलाया नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि अब खिलाना चाहिए, क्योंकि एक मैच देने से मुझे नहीं लगता एक फेयर रन हो पाएगा उनके लिए। वो प्लेयर भी शायद अपने पीक परफॉर्मेंसेस दे नहीं पाएगा टीम के लिए। और संजू सैमसन को आप ज़रूर देखना चाहेंगे लगातार दो तीन मैच मिलते वक्त, तो मैं समझता हूँ कि संजू सैमसन के साथ परसिस्ट करना चाहिए। रही बात कुलदीप यादव की, अगर तो उनको फिटनेस इश्यूज है तो मेरे ख्याल से चहल को कंटिन्यू रखेंगे और उनको वनडे फॉर्मेट के लिए फ्रेश रखेंगे। और अगर कुलदीप यादव को खिलाना होगा किसी मैदान पे तो शायद वो कहेंगे कि मुझे माउंट मांगनुई में खिलाइए जहाँ ये मैच खेला जाएगा, क्योंकि अगर हम नंबर टू पॉइंट पे देखें और आंकड़ों के बारे में बात करें तो शायद इस मैदान पे आपको स्पिन का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। आंकड़े तो यही कहते हैं संजय, क्योंकि इकोनॉमी रेट जो स्पिनर्स का है वो 8 के नीचे, जहाँ पे पेसर्स का दूसरी तरफ लगभग 10 के आसपास, ये पिछले 5 कंप्लीटेड T20Is में है। साथ ही एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर की अगर हम बात करें 200 के आसपास है, तो हाई स्कोरिंग ग्राउंड माना जाता है और टीम्स जो पहले बैटिंग करती है 5 out of 5 मैचेस जीत चुके हैं, तो इससे हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं और स्पिन को इतना यहाँ मदद क्यों मिलता है? देखिए ये जो ग्राउंड है यहाँ पर बहुत तेज़ हवा चलती है और हवा ऐसी चलती है कि अगर आप ड्रेसिंग रूम में बैठे हैं तो आपके आपके चेहरे पे आके वो हवा लगती है, मतलब अक्रॉस द ग्राउंड काफ़ी ब्रीज यहाँ पर स्ट्रांग है, तो जो आपके बाई तरफ से गेंदबाजी अगर हो रही है तो स्पिनर्स वहाँ से उस एंड से ज़्यादा गेंदबाजी करते हैं, थोड़ी सी वाइडर लाइन ज़रूर डालते हैं जब भी उनको मौका मिले, क्योंकि देन ऑफ साइड पे शॉट लगाना बड़ा मुश्किल होता है। और इसी की वजह से काफ़ी बार देखा गया कि स्पिनर्स को अगर बैट्समैन अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी सारे टॉप एजेस पे उनको विकेट मिलती है। इसी की वजह से स्पिन का स्ट्राइक रेट यहाँ बेहतर, मगर तेज़ गेंदबाजों को भी अच्छी मदद है, क्योंकि अगर ब्रीज इस तरह से आ रही है, अगर आपके दाएँ हाथ से गेंदबाजी हो रही है, फास्ट बॉलर्स अगर डालते हैं वहाँ से तो शॉर्ट बॉल काफ़ी टेस्ट करते हैं और राउंड द विकेट एंगल का भी अच्छा इस्तेमाल यहाँ से कर सकते हैं। चलिए आपने टॉप एजेस की बात की, मार्टिन गप्टिल ऐसे कैंडिडेट तो बन ही जाते हैं जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं इस सीरीज़ में, लेकिन है तो अनुभवी और बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज। और अगर अगले पॉइंट की तरफ बढ़े तो मार्टिन गप्टिल पर हम ज़्यादा थोड़ा एक बातचीत करना चाहेंगे, क्योंकि अगर हम उनके आंकड़ों पर देखें, मार्टिन गप्टिल ने शुरुआत तो की है इस सीरीज़ में संजय, 30, 33, 31 पहले 3 मैच में, लास्ट मैच में केवल 4 पे आउट हो गए, लेकिन अनुभवी खिलाड़ी के लिए शायद न्यूजीलैंड और थोड़ी उम्मीद लगा करेंगे शायद। और अगर ओपनर्स की बात करें माउंट मांगनुई में तो दोनों गप्टिल और कॉलिन मनरो का रिकॉर्ड काफ़ी मजबूत है। गप्टिल 45 की औसत से और 150 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं इस मैदान में और कॉलिन मनरो का भी रिकॉर्ड स्ट्राइक रेट लगभग 200 के आसपास और एवरेज जो है उनका 60 से भी ऊपर। तो अगर गप्टिल की बात करें तो अनुभवी खिलाड़ी को इस टीम में खासकर थोड़ा शायद ज़्यादा परफॉर्मेंस देना चाहिए। देखिए और न्यूजीलैंड की तरफ से, और न्यूजीलैंड कंडीशंस में खेलते हैं तब उनका स्ट्राइक रेट और औसत बहुत ही ज़्यादा बेहतर होता है। इसी की वजह से IPL में काफ़ी सारे फ्रेंचाइज की मीटिंग में उनका नाम लिया जाता है कि उनको लेना ही चाहिए, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट गज़ब का है, औसत अच्छा है, बट उस हिसाब से उन्होंने इस सीरीज़ में बल्लेबाजी की नहीं। और उसकी खास वजह यह है कि भारतीय गेंदबाजों ने उनके खिलाफ अच्छा प्लान बनाया था कि उनको आगे डाला नहीं है ज़्यादा गेंद और उनके पाले में कोई गेंद दिया नहीं, और कहीं ना कहीं उन्होंने भी गलती की है, क्योंकि जो शॉर्ट साइड उनको उन्होंने टारगेट करने की कोशिश की है, अगर गेंद अगर वाइडर लाइंस पे भी डाली है तो फिर भी उन्होंने सीधा शॉट मारने का प्रयास किया, उसमें आउट हुए वो सेकंड T20 में। और अगर आप चौथे T20 की बात करें, दोबारा से उन्होंने शॉर्ट स्क्वेयर बाउंड्री टारगेट करने की कोशिश की जबकि वहाँ गेंद थी नहीं वो शॉट खेलने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये जो अगर आप पूर्वानुमान लगा के खेलते हैं तो वो काफ़ी फायदेमंद साबित नहीं होता है, तो उनको ज़रूर ही अपना गेम जो है, अपना स्तर जो है,
ऊपर करना होगा। चलिए चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, और इस साल में जो भी T20 क्रिकेट खेला जा रहा है, दोनों सारी टीम्स यही उम्मीद रखेंगे कि जितने से ज़्यादा प्लेयर्स को वो देख ले, परख ले और डिसाइड कर ले कि क्या है उनका भविष्य इस T20 टीम में, खासकर जब दो T20 वर्ल्ड कप्स आने जा रहे हैं दो साल में। तो अगर शिवम दुबे की बात करें हमारे चौथे पॉइंट में, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं भारतीय टीम, क्या उनके भविष्य के लिए केवल यही बात मानी जाती है कि जब हार्दिक पांड्या फिट हो जाएंगे तो अपने आप ही शिवम दुबे टीम से वापस हो जाएंगे? अगर अब उनके आंकड़ों पे हम एक नज़र डालें संजय, 12 मैच हो चुके हैं, तो एक तरह से थोड़ी एक बढ़ती जा रही है उनकी जो अपॉर्चुनिटीज़, और बैटिंग औसत बॉलिंग औसत कुछ खास नहीं, माना कि हर गेम में उनको ज़्यादा चांस नहीं मिला जाता है, लेकिन अगर इस सीरीज़ में भी देखें तो जहाँ पे उन्हें मौका दिया गया है बैटिंग करने का, बड़े स्कोर नहीं बना पाए हैं, दूसरी तरफ बॉलिंग में 4 ओवर तो का कोटा तो भरते नहीं, तो आपके हिसाब से क्या भविष्य होगा शिवम दुबे का? ये सबसे बढ़िया बात उनके लिए ये रही है कि उनको लगातार 12 या 13 मैचेस मिल चुके, जैसे आपने जिक्र किया, तो एक कोई भी खिलाड़ी के लिए इतना फेयर रन काफ़ी अच्छा होता है, तो हमें उसका बेस्ट देखने की देखने का मौका मिलता है। यहाँ पर अगर हमने आकलन करें शिवम दुबे का, तो ये ज़रूर कहना होगा कि उनकी बल्लेबाजी उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। उन्होंने जब भी उनको प्रमोट किया गया है तो अच्छी पारी खेली है, 3 नंबर पे जाके उन्होंने 50 बनाए, या फिर जब भी उनको प्रमोट किया है जिस अंदाज से प्रमोट किया था और जिस प्लान के मुताबिक प्रमोट किया, तो उन्होंने स्पिनर्स को ज़रूरी हिटें लगाई हैं। मगर जहाँ तक गेंदबाजी का सवाल है, तो ये टीम जो चाहती है वो 6 बॉलिंग विकल्प के साथ खेलना चाहती है, तो छठा जो बॉलर होगा वो केवल 2 ओवर्स ही डालेगा, और अगर ये 2 ओवर में अगर 8.5 का औसत दे रहे हैं तो मुझे नहीं लगता ये खराब औसत है। तो एक हार्दिक पांड्या अगर चोटिल होते हैं तो उनके लिए एक बेहतरीन विकल्प। तो फिर इसी अंदाज से आप देख सकते हैं शिवम दुबे को एक और मौका शायद मिल सकता है उनको, देखते हैं क्या कर पाते हैं पिछले आखिरी T20I में। और आखिरी पॉइंट की तरफ भी बढ़ते हैं, और थोड़ी बात न्यूजीलैंड के हमें डिटेल में करनी चाहिए। हमारा पॉइंट तो उनकी बल्लेबाजी पर ही है, क्योंकि अगर आप पिछले दोनों मैच देखें तो एकदम हाथ में था मैच और उन्होंने वो गवा डाले, और अगर डेथ ओवर्स के बारे में बात करें तो कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि आंकड़े साफ साफ बताते हैं कि औसत जो है और स्ट्राइक रेट भी जो है, रन रेट जो है ओवर 17-20 में, वो भारत का बहुत ही अच्छा है, वही तरफ न्यूजीलैंड का काफी खराब। और ऊपर से ये एक सवाल अभी उठता है कि क्या मानसिक इफेक्ट होगा इनकी, इनके जिस तरह से मैच हार चुके हैं, तो क्या ये पूरी तरह से फिनिश हो चुकी है कॉन्फिडेंस इनकी टीम, कैसे उठ पाएंगे ये टीम, क्योंकि घर पे 5-0 उनको हराना, ये न्यूजीलैंड के लिए हम ज्यादा उम्मीद नहीं रखते। काफी निराशाजनक परफॉर्मेंस रहा है उनका, और जिस तरह से पिछले 2 मैच जो जीते हुए मैच वो हार चुके हैं, और यहाँ पर हम लोग क्रेडिट जरूर देंगे भारतीय गेंदबाजों का, मगर उनको वो मैचेस फिनिश करने चाहिए थे। और फिर जब दोनों ही सुपर ओवर में जिस तरह से भारत ने जीत हासिल की, जो टेम्परामेंट रखा, तो ऐसी टीम के अगेंस्ट अगर आप बेस्ट नहीं खेलेंगे तो 5वां मैच जब 4 आप मैच हार चुके हैं, और होम कंडीशंस में, कि किसी भी होम कंडीशंस होम टीम को के ऊपर काफ़ी दबाव होता है, बिल्कुल, तो जब भी आप खेलते हैं कि आप घरेलू सीज़न में आप यही उम्मीद रखते हैं कि टीम अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, तो काफ़ी प्रेशर होगा उनके खिलाड़ियों के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर, और 5वां मैच मैं नहीं समझता हूँ जीत पाएंगे, भारत के लिए 5-0 व्हाइट वॉश होगा। चलो व्हाइट वॉश की बात संजय वांगर ने की है, लेकिन क्या व्हाइट वॉश कन्वेंशनल 20 ओवर में हो जाएगा, या फिर हम 3 मैच में 3 सुपर ओवर की भी उम्मीद कर सकते हैं? नहीं, अगर ऐसा हुआ तो हम शायद शो करना बंद कर देंगे, तीसरा सुपर ओवर तो मैं उम्मीद नहीं करता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजय वांगर हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय से फिर बातचीत होगी ODI सीरीज के पहले, और ऑफकोर्स 50-20I के बाद हम कवरेज हमारी जारी रखेंगे ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे पर।